दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्स अमेरिकी नेवी सील इन दिनों ताइवान को चीन से बचाने की ट्रेनिंग ले रही है। अमेरिका को डर है कि चीनी सेना कभी भी ताइवान पर कब्जे के लिए आक्रमण कर सकती है। ऐसे में अमेरिका कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है जिससे ताइवान की सुरक्षा को खतरा हो। अमेरिकी नेवी सील ने ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। चीन का आरोप है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कई इंस्ट्रक्टर पहले से ही ताइवानी सेना के क्लोज कॉम्बैट और शहरी लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। एक रिपोर्ट में घटनाक्रम से परिचित लोगों के हवाले से कहा गया है कि सील टीम चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करने पर ताइवान का समर्थन करने के लिए मिशन के लिए प्रशिक्षण ले रही है। चीन आज़ादी के बाद से ही ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और सैन्य शक्ति के प्रयोग से कब्जे की धमकी देता है। सील टीम एक टीयर वन फोर्स है और अमेरिकी सेना में डेल्टा फोर्स के अलावा दूसरी एलीट फोर्स है। एक रिपोर्ट के अनुसार सील टीम वर्जीनिया के बीच में अपने मुख्यालय डैम नेक में एक साल से अधिक समय से ताइवान संघर्ष की योजना बना रही है और प्रशिक्षण ले रही है। सील टीम की तैयारी 2021 के बाद से काफ़ी तेज़ हो गई है जब अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर ने चेतावनी दी थी कि चीन अगले 6 साल में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका लगातार मानता रहा है कि चीन के साथ संघर्ष ना तो आसान है और ना ही अपरिहार्य है, लेकिन अमेरिकी सेना ने आकस्मिक तैयारियां तेज कर दी हैं। उधर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश को पूरा करने के लिए तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है, जिसमें कहा गया है कि 2027 तक उसके पास ताइवान पर बलपूर्वक हमले करने या आक्रमण करने की क्षमता है। चीन का कहना है कि वह ताइवान के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है। पिछले साल शी ने एक यूरोपीय अधिकारी से कहा था कि उनका मानना है कि अमेरिका चीन को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाल के वर्षों में पेंटागन ने ताइवान में उन मिशनों के लिए स्पेशल फोर्सेज की संख्या भी बढ़ाई है जिनमें ताइवान की सेना को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। पिछले सप्ताह CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने कहा था कि उनके बजट का 20% चीन को समर्पित है, जो 3 वर्षों में 200% की वृद्धि है। आपको बता दें कि चीन ताइवान विवाद एक लंबे समय से चल रहा संघर्ष है, जिसमें चीन का दावा है कि ताइवान उसकी एक प्रांत है, जबकि ताइवान स्वतंत्र एक राष्ट्र होने का दावा करता है। इस विवाद की जड़ें चीनी गृह युद्ध में हैं, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवादी गोविंद डंग को हरा दिया था। राष्ट्रवादी सरकार ताइवान भाग गई थी और वहां एक स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली। चीन ने तब से ताइवान को पुनर्मिलन करने का प्रयास किया है, कभी तो शांतिपूर्ण तरीके से और कभी सैन्य धमकियों के माध्यम से। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।